नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीसरे ग्लोबल साउथ समिट के बारे में, जो आज खत्म हुई और उसमें आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल साउथ के लीडर्स को एड्रेस किया। तो उसके ऊपर नजर डालेंगे, उसके जो हाईलाइट्स हैं उसके ऊपर नजर डालेंगे। वो जो पर्टिकुलर उन्होंने छोटी सी स्पीच दी है, जो कि तकरीबन 5 मिनट की है, वो इस स्पीच के अंत में हम लोग अटैच करेंगे। तो अगर जिस किसी को भी वो पर्टिकुलर स्पीच देखनी है, वो डायरेक्टली जंप करके वहां पर जा सकता है। उसके पहले हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस शेयर करने वाले हैं, जो खास बातें हैं जिसके ऊपर नजर डालनी चाहिए, जो हम लोगों को खास ध्यान में रखनी है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने उस पर्टिकुलर स्पीच में फोकस किया था, उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार के एनालिसिस मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि आज यानी कि 17 अगस्त को तीसरी जो ग्लोबल साउथ समिट थी, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, वो आज खत्म हुआ, जिसको VOGSS इन शॉर्ट कहा जाता है। वो स्टार्ट हुआ था 14 अगस्त से और आज आखिरकार वो एंड हुआ। अब ये जो पर्टिकुलर VOGSS है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट है, उसकी शुरुआत भी भारत ने ही की थी और उसकी शुरुआत की गई थी पिछले साल जनवरी में। जी हाँ, जनवरी 2023 में सबसे पहली वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज की गई थी भारत के द्वारा, और दूसरी जो समिट थी वो भी भारत के द्वारा नवंबर 2023 में ऑर्गेनाइज की गई। अब ये जो दोनों ही समिट थी, वो दोनों ही वर्चुअल थी और दोनों ही समिट में तकरीबन 100 जितने वर्ल्ड लीडर्स उपस्थित थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्लोबल साउथ समिट हो रही है, ऑर्गेनाइज की गई है, ये जो इनिशिएटिव पूरा स्टार्ट किया गया है, वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, ना कि सिर्फ ग्लोबल साउथ पॉलिटिक्स में। उसकी अगर ग्लिम्स दें तो ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं, उसमें पूरा अफ्रीका आ जाता है, उसमें लैटिन अमेरिका के पार्ट्स आ जाते हैं, साउथ अमेरिका के पार्ट्स आ जाते हैं, एशिया में भी ज्यादातर कंट्रीज आ जाती हैं एक्सेप्ट फॉर जापान, साउथ कोरिया और इसराइल। तो इसी प्रकार से बहुत सारी प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जो इस ग्लोबल साउथ समिट में पार्टिसिपेट कर रही है। ये तीसरी ही समिट थी जो कि आज कंक्लूड हुई और आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उसको एड्रेस किया। अब ये जो पर्टिकुलर समिट थी, उसमें काफी इंटरेस्टिंग प्रपोजल नरेंद्र मोदी जी ने रखा, जिसको नाम दिया गया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। अब ये जो कॉम्पैक्ट है, उसका जो गोल है, वो जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, उन सभी को ऊपर उठाने का है अंडर वसुधैव कुटुंबकम आइडियोलॉजी ऑफ भारत, जो हाल में पीएम नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के चलते, उसी आइडियोलॉजी, उसी थिंकिंग के ऊपर चलते हुए, जो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, उन सभी को आगे लाने के, ऊपर लाने के, उनकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनकी जो भी लिविंग कंडीशंस हैं, वहां के जो लोग हैं उनकी जो कंडीशंस हैं, उनको बेटर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट प्रपोज किया। अब ये जो पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट है, उसके जो बेसिस हैं, उसमें दो मुख्य चीजें बताई गई कि ये एक भारत का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसके ऊपर आधारित होगा, और दूसरा, इसमें जो भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, उन सभी की जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हैं, उनको ध्यान में रख के ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, उसको डिफाइन किया जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरे ग्लोबल साउथ की जितनी भी कंट्रीज, उन सभी की डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो इकोनॉमिकली डाउन हो, चाहे वो इकोनॉमिकली अप हो, उन सभी की जो प्रायोरिटीज हैं, उनको ध्यान में रख के इस पर्टिकुलर ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट डिफाइन किया जाएगा और उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। वो ये पर्टिकुलर प्लान नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया उस पर्टिकुलर एड्रेस में। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पर्टिकुलर ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, उसमें किसी भी कंट्री को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, किसी भी कंट्री को फाइनेंशियली दबाया नहीं जाएगा, फाइनेंस देकर, लोन देकर उनको दबाया नहीं जाएगा, जो कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, जिसमें डायरेक्टली उन्होंने चाइना को टारगेट करते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छे से वेल क्राफ्टेड स्टेटमेंट दिया है। तो इसी प्रकार से उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, उसमें किसी भी कंट्री को, चाहे वो छोटी कंट्री हो, कम आबादी वाली हो, लेस डेवलप्ड हो, छोटी इकोनॉमी वाली हो, या फिर बड़ी इकोनॉमीज हो, जैसे कि भारत हो, जैसे कि चाइना हो, इन लोगों को, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और सभी की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही में सभी की अकाउंटेबिलिटी कंसिडर की जाएगी, तो कोई भी कंट्री इसमें से भाग नहीं सकता है। अब ये जो पर्टिकुलर पूरा ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, उसको इस पर्पज से डिफाइन किया गया है, उसको इस पर्पज से डिजाइन और प्रपोज किया गया है, ताकि सभी को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही में ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में जो गैप है, इकोनॉमिक गैप है या फिर डेवलपमेंटल गैप्स हैं, उनको भरा जा सके, ताकि पूरी दुनिया सेम लेवल पर, सेम प्लेटफॉर्म पर, सेम
ग्राउंड पर आप रह सके, एक्सचेंजेस कर सके, और उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं उसमें मुख्यतः उन्होंने जो फोकस की चीजें उसमें ट्रेड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया है, साथ ही में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर बात की है, और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल ग्रांट्स और फाइनेंस की बात की गई है। तो इसी प्रकार से जिस किसी भी छोटे या बड़े कंट्री को किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो उनको इस पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट के तहत हेल्प की जाएगी, जिस तरह से भी उन लोगों को सपोर्ट चाहिए उनको दिया जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर खास हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेनिंग की बात की गई है, जो कि उन्होंने अपनी स्पीच में भी स्पेसिफाई किया था। तो अलग अलग सेक्टर्स में वहां के जो इंडिजिनस लोग हैं, वहां के जो लोकल्स हैं, उन कंट्रीज के जो लोकल्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग सेगमेंट्स, जिसमें भारत में दो स्पेसिफिक सेगमेंट्स की बात की है, एक मेडिसिन फार्मास्यूटिकल और दूसरी जो बात की है वो है एग्रीकल्चर और एग्रीटेक। तो इन दोनों को बहुत ही स्मूथली प्रमोट करते हुए भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको और एग्रीटेक और साथ ही में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको बहुत ही स्मूथली प्रमोट करते हुए उन्होंने ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर दी है। तो इसी प्रकार से वहां के जो लोग हैं, उन जो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं जहां पर एग्रीकल्चरली अवेयरनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर मेडिसिन में ही, उनके लिए भारत इनिशिएटिव लेगा, साथ ही में वहां पर एक बेस तैयार करने के लिए जो भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी वो भी भारत की ओर से ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की गई है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी बात हुई है और साथ ही में जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है उसकी भी बात की गई है। फिर से मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये जो फाइनेंसिंग और ग्रांट्स दी जाएंगी उसके अंतर्गत किसी भी कंट्री को दबाया नहीं जा सकता, इस चीज का खास ध्यान रखा जाएगा, कोई भी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ना प्रैक्टिस करे इस पर्टिकुलर ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के तहत, उस पर खास ध्यान रखा जाए। तो इसी प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत की ओर से ग्लोबल साउथ के जो भी कंट्रीज हैं उन सभी को एक आश्वासन देते हुए और साथ ही में एक काइंड ऑफ कमिटमेंट देते हुए ये बात स्पष्ट कर दी कि भारत दुनिया में जो भी छोटे बड़े कंट्रीज हैं, खास करके जो इस पर्टिकुलर समिट में कंसर्न है, ग्लोबल साउथ के जो भी कंट्रीज, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सभी चीजें करने के लिए, जो कि भारत की क्षमता के अनुसार वो सभी चीजें करने के लिए भारत तैयार है, और वो भारत एक्चुअली ऑलरेडी कर रहा है। रिसेंटली भारत ने मेडिकल एड सीरिया को भी कल ही भेजा है, तकरीबन 1400 किलो, जिसके बारे में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर जरूर जुड़े ताकि आपको उस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। तो ये थी कुछ बातें जो कि नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल साउथ समिट के एंड में जो वर्ल्ड लीडर्स से उनको एड्रेस करते हुए कही थी। अब ये जो पर्टिकुलर स्पीच है वो हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे, बाद में वीडियो एंड होगा, तो उसके पहले जय हिंद हर हर महादेव, सुनिए वो नरेंद्र मोदी जी की स्पीच। योर हाइनेस, एक्सलेंसीज, आप सभी के बहुमूल्य विचारों और सुझावों के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने हमारी साझी चिंताओं और महत्वाकांक्षाओं को सामने रखा है। आपके विचारों से ये बात साफ है कि ग्लोबल साउथ एकजुट है। आपके सुझावों में हमारी व्यापक भागीदारी का प्रतिबिंब है। आज की हमारी चर्चा से आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गति मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी की बात सुनने के बाद आज मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस कॉम्पैक्ट की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। इस कॉम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह
ह्यूमन सेंट्रिक होगा और विकास के लिए मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को आगे बढ़ाएगा। यह डेवलपमेंट फाइनेंस के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। यह पार्टनर देशों के संतुलित और सतत विकास में सहयोग देगा। फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के तरह हम ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल फाइनेंस और ग्रांट्स, इस पर फोकस करेंगे। ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज को बल देने के लिए भारत 2.5 मिलियन डॉलर के विशेष फंड की शुरुआत करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड नेगोशिएशन में ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 1 मिलियन डॉलर का फंड प्रदान किया जाएगा। ग्लोबल साउथ के देशों में फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेवलपमेंट फंडिंग के लिए भारत एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में सहयोग दे रहा है। हम ग्लोबल साउथ को सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे। हम औषधि रेगुलेटर्स के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेंगे। कृषि क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग के अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड, आपने तनावों और संघर्षों से जुड़ी चिंताओं को भी प्रकट किया है। यह हम सभी के लिए गंभीर विषय है। इन चिंताओं का समाधान जस्ट और इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस पर निर्भर करता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी प्राथमिकताओं में ग्लोबल साउथ को वरीयता मिले, जहां विकसित देश भी अपने दायित्व और कमिटमेंट पूरे करें। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी को कम करने के लिए कदम उठाएं। अगले महीने यूएन में होने वाली समिट ऑफ द फ्यूचर इस सब के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है। योर हाइनेसेस, एक्सलेंसीज, आपकी उपस्थिति और अनमोल विचारों के लिए एक बार फिर आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि ग्लोबल साउथ की प्रगति के लिए हम अपनी आवाज ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे और अपने अनुभव साझा करते रहेंगे। आज दिन भर हमारी टीम्स सभी विषयों पर गहन चिंतन मनन करेगी और इस फोरम को हम आने वाले समय में भी आप सबके सहयोग के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।